हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। ठीक है दोस्तों, सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। ठीक है दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके, जिसका आज एग्ज़ाम था 28 जुलाई, और ये शिफ्ट 1। ठीक है, शिफ्ट 1 में जो पेपर हुए थे, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे एनालिसिस करके बताऊंगा, और इसके बारे में ये गुड अटेम्प्ट बताऊंगा कि इस बार के गुड अटेम्प्ट क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देर ना किए बिना हम सबसे पहले आप लोगों को इस बार का गुड अटेम्प्ट ही बता देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को पेशेंस जो है बना रहे। तो चलिए यहाँ पर गुड अटेम्प्ट की बात अगर सबसे पहले करते तो देख सकते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा पी यू एग्ज़ाम एनालिसिस 2018 और सेक्शन वाइज एनालिसिस देखते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो आपका अगर इंग्लिश में अगर अटेम्प्ट की बात किया जाए तो आप 21 से 24 के होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में अगर बात किया जाए तो 33 से 38 अगर के होंगे तो अच्छी बात है, यहाँ पर आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। वहीं क्वांट की बात किया जाए तो 27 to 31 आपका गुड अटेम्प्ट होगा। ठीक, अब बात करें जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स में मिला के कुल अगर 19 से 23 के होंगे तो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। और ओवरऑल अगर आप 103 से, ठीक है, 103 से अगर 117 आप कर रहे हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, एक अच्छा स्कोर माना जाएगा जिसमें आपको कट ऑफ क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो आगे विस्तार से जानेंगे कि इस बार का जो पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और किसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, ठीक है, तो ये आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा था। ठीक है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट इस बार क्वेश्चन देखने को मिले थे। सबसे पहले अगर बात किया जाए DI का, ठीक है, DI की बात किया जाए तो आपका टेबुलर से क्वेश्चन टेबुलर बेस्ड एक DI आया था आपका, पाई चार्ट एक DI देखने को मिला था, और एक कैसलेट, ठीक है, कैसलेट DI देखने को बना था जो कि 17 क्वेश्चन थे। ठीक है, 17 क्वेश्चन थे और आपका मॉडरेट डिफ़िकल्ट लेवल का था। चलिए अगर आगे बात करते हैं, वहीं DI के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ हैं इसमें, तो देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो DI के अलावा और क्या पूछा गया था यहाँ पर और भी देखेंगे। DI के बारे में आपका अप्रॉक्सीमेशन से, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक, जो कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए थे 5 क्वेश्चन। फिर बात किया जाए रॉन्ग नंबर सीरीज़ का, ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी देखने को मिला था, कहीं ना कहीं एक तरह से मॉडरेट लेवल के ही पूछे गए थे 5 क्वेश्चन। और अगर बात करते हैं क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 करके एक सवाल आता है जिसमें ग्रेटर देन और जो पहले क्वालिटी के क्वेश्चन का था उसी टाइप का क्वेश्चन को क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करके क्वेश्चन दिया गया था, जो कि 4, ठीक है, 4 क्वेश्चन थे, ये भी आपको मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, और आपसे को इसमें और क्या क्वेश्चन देखने को मिला था कि यहाँ पे डाटा सफिशियंसी का भी 5 सवाल देखने को बना था। ठीक है, डाटा सफिशियंसी से भी 5 क्वेश्चन देखने को बना था। और अर्थमेटिक की बात किया जाए कि वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, अर्थमेटिक जिसको मिसलेनियस कहते हैं, मिसलेनियस से भी आपका 4 क्वेश्चन ही देखने को बना था। कुल ओवरऑल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के थे। ठीक है, चलिए वहीं बात करते हैं इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखिए क्या क्या पूछा गया था आपका, तो इंग्लिश में सबसे पहले आपका RC पूछा गया था। ठीक है, RC पूछा गया था जो कि प्लास्टिक वेस्टेज, ठीक है, प्लास्टिक वेस्टेज पे बेस्ट क्वेश्चन था जो कि 7 क्वेश्चन था। ये 7 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, मॉडरेट लेवल के थे। बात किया जाए स्टार्टर से 5 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मॉडरेट लेवल था। ठीक है, डबल फिलर से भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, और फिर बात करते हैं क्लोज टेस्ट भी पूछा गया था, क्लोज टेस्ट से आपका देखने को मिला था 5 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मॉडरेट टू इजी था। फिर बात करें एरर डिटेक्शन से भी क्वेश्चन आया था आपका, एरर डिटेक्शन से भी क्वेश्चन 4 बने थे। ठीक है, और फ्रेज रिप्लेसमेंट से भी आपका 4 क्वेश्चन बने थे। कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन इस सेक्शन से आया था, ठीक है, जो कि मॉडरेट लेवल के थे। चलिए बात करते हैं अब
हम बात करेंगे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में। तो चलिए सर, रीजनिंग में देख जानते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में बात करते हैं। तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में आपको पजल जो पूछा गया था 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, पजल जो थे, ठीक है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट से आपको 20 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, जिसमें लीनियर लीनियर था आपका सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था जिसमें 11 पीपल थे। ठीक है, 11 पीपल बेस्ट थे। फिर आपका सर्कुलर पूछा गया था सीटिंग अरेंजमेंट, और एक डेट मंथ से। ठीक है, डेट मंथ से आपका इसमें थ्री वेरिएबल, ठीक है, थ्री वेरिएबल के पजल पूछे गए थे। और एक जो पूछा गया था आपका एज एंड फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, एज रिलेटेड क्वेश्चन था यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ के क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि और क्या पूछा गया था, तो लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिला था 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए थे 3 क्वेश्चन, डायरेक्ट डायरेक्शन से क्वेश्चन बने था आपके 4 क्वेश्चन, सिलॉग भी पूछे गए थे, ठीक है, 3 क्वेश्चन। ये सभी इजी टू मॉडरेट पूछे गए थे, इजी टू मॉडरेट पूछे गए थे। सिर्फ सिलॉग जो था आपका मॉडरेट लेवल के था। ठीक है, बाकी सभी इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। बाकी कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आए थे, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आए थे 4। ठीक है, और डाटा सफिशियंसी से भी आपका 4 क्वेश्चन देखने को बना था। आगे बढ़ के बात करते हैं और क्या क्या पूछा गया था। इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन आपको देखने को बना था 3 क्वेश्चन। ठीक है, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन, और आपका मशीन इनपुट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन और मशीन इनपुट आउटपुट से आपका 5 क्वेश्चन, कुल मिला के रीजनिंग का 50 सवाल आपको मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो थे कंप्यूटर से रिलेटेड थे, कंप्यूटर से रिलेटेड थे। ठीक है, ये हो गया टोटल 70 मार्क्स के। अब बात करते हैं आपका जनरल अवेयरनेस, फिर बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, और इकोनॉमिक्स से। तो ये आपका कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के पूछा गया था। ठीक है, डिफ़िकल्ट लेवल का पूछा गया था, और इसमें अगर डिफ़िकल्ट लेवल में क्या क्या पूछा गया था ये भी जान ले कुछ क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या था आपका अप्रैल, ठीक है, अप्रैल और मई से, अप्रैल और मई जो मंथ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा अप्रैल और मई से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे कि आपका जो था रीजनिंग, ठीक है, 50 क्वेश्चन 75 मिनट मिले थे। वहीं बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, तो 40 क्वेश्चन 50 मिनट मिले थे। ठीक है, अगर बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में 35 क्वेश्चन 35 मिनट के लिए मिले थे। ठीक है, और अगर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स या इको, इसका जो था 40 क्वेश्चन 40 मिनट के। ठीक, ओवरऑल आपका 165 क्वेश्चन और 200 मिनट टोटल थे। ठीक है, ये इस तरह का सिनेरियो रहा था। और बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर का। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर से जो था इसमें आपको 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन 2 थे, 50 मार्क्स के थे। ठीक है, और 30 मिनट समय मिला था, 30 मिनट समय मिला था। ओके, तो इसमें आपका 2 क्वेश्चन का था जिसमें आपको लिखना क्या था कि एक लिखना था आपको लेटर राइटिंग लिखना था। ठीक है, पहला आपका एक एसे था, एसे था, दूसरा था लेटर। ठीक है, एसे और लेटर, इसमें 2 क्वेश्चन थे, इसमें भी 2 क्वेश्चन थे जिसमें चूज करना था आपको जो बनाना था। ठीक है, एसे से 2 क्वेश्चन जिसमें से एक क्वेश्चन करना था, लेटर से 2 क्वेश्चन जो एक कोई एक क्वेश्चन करना था, और दोनों 150-150 वर्ड में लिखना था। ठीक है, तो ये इस तरह का सिनेरियो रहा था। और जैसा कि अभी सब आप सबको बता दिए थे, ठीक है, कि आपका जो था जो इस तरह का यहाँ पे सिनेरियो देखने को बन सकता है कि जो
गुड अटेम्प्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे 103 से 117 गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है, ठीक है। अगर गुड अटेम्प्ट की बात किया जाए, गुड अटेम्प्ट की बात किया जाए, ठीक है, तो 103 से 117 आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ओके, तो इससे इस बार का जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, ये इस तरह का पेपर आया था, और इस तरह के आपका गुड अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर इस तरह के गुड अटेम्प्ट हो रहे हैं तो आपके कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक करना ना भूलें, और फिर अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। साथ ही साथ अगर वीडियो भी साथ ही साथ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए अपडेट और नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।